तो है दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे और अभी से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आज दूसरा चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा चैप्टर है कि अगर आपने इसे मिस कर दिया तो ऐसा समझ लो कि आपका पूरे 2 साल आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। तो ये बहुत बेसिक, बहुत आसान और इसमें मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अगर इससे क्वेश्चन आते तो बहुत ईजी होते हैं, तो अगर आप इसको छोड़ देंगे तो बहुत नुकसान होगा। इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट करते हैं, नीट और JEE या फिर क्लास 11 के लिए, तो कई बार स्टूडेंट शुरुआत में ऐसा समझते हैं कि हमें सब समझ में आना चाहिए। देखिए, फिजिक्स को समझने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए, चाहे आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो कहीं पर भी, या फिर चाहे आप क्लास के अंदर हो आपकी रेगुलर क्लासेस में, या फिर आप यहाँ पर यूट्यूब पर लेक्चर सुन रहे हो, तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना चाहिए। तो शुरुआत से आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, कुछ कुछ समझ में आएंगी और आगे जाकर सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। आपकी रेगुलर लाइफ में आप देखते हैं कि आप अगर ग्रॉसरी यानी किराना लाने जाए, या फिर दूध की दुकान पर जाए दूध लाने के लिए, या फिर जो कुछ भी आप रोज़ाना का बाज़ार करते हैं वो लाने जाए, अगर आप दुकानदार पास जाकर ये कहे कि मुझे 5 तेल दो, और उसे कहे कि आप मुझे 10 चावल दो, थोड़ा हैरत वो करेगा। और पहले इससे कि आपको अगर वो सारी चीज़ें दे, इससे पहले कि वो आपको सारी चीज़ें दे, पॉसिबल है कि अगर वो सन की रहा तो आपको कुछ झापड़ भी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको उससे झापड़ से बचना है तो आपको कुछ 5 और 10 के आगे कुछ लगाना पड़ेगा। आपने अगर उसे कहा कि मुझे 10 राइस दो और कहा कि 5 ऑयल दो, तो ये बात उसको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ मिस कर रहे हैं। और आप क्या मिस कर रहे हैं, शायद आप नहीं बता पाए, लेकिन एक स्टैंडर्ड रेफरेंस आप मिस कर रहे हैं। आप अगर बोलेंगे उसको कि मुझे 10 केजी चावल चाहिए या फिर 5 केजी ऑयल चाहिए, तो ये क्या हुआ, ये जो केजी आपने लगाया ये है स्टैंडर्ड रेफरेंस। अब रेफरेंस बोले तो आप कोई भी चीज़ का एक रेफरेंस देते, हवाला देते हैं। जैसे आप अगर मेरे रिलेटिव है बहुत दूर के, तो आप रेफरेंस देकर बात करें कि आप हमारे इनके रिश्तेदार हैं, तो ये रेफरेंस होता है। इससे आप क्या करते हैं, कंपेयर करते। तो आपने क्या कहा कि यहाँ पर 10 केजी राइस चाहिए, तो जाके आपको वो राइस देगा। अगर आपने सिर्फ 10 राइस कहा तो पॉसिबल है आपको राइस के बदले एक थप्पड़ मिल जाए। अगर आपने उसको 5 ऑयल कहा तो आपको नहीं देगा, उसको खुद समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो वो आपको कहेगा कि मुझे, आप जब कहेंगे कि मुझे 5 केजी ऑयल चाहिए, तो जाके वो आपको 5 किलो ऑयल देगा। आप दूध लाने जाएंगे, आप कहेंगे मुझे 2 दूध दो, तो इस पर उसको भी ऐसी आएंगी, आपको भी ऐसी आएंगी, जब तक आप नहीं कहेंगे मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। तो ये लीटर क्या है, ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है। तो इस स्टैंडर्ड रेफरेंस को ही हम यूनिट कहते हैं, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है इसको हम कहेंगे यूनिट, इसको हम यूनिट कहते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि यूनिट जो है तो 2 पार्ट्स पर बेस होता है। नंबर एक होता है, अगर मैं आपके लिए यहाँ पर लिखूँ NU, तो ये यूनिट हो गया आपका। यहाँ पर N क्या है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे यहाँ पर 5 था, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये U जो है ये आपका स्टैंडर्ड रेफरेंस है। या फिर यूनिट है, तो यूनिट जो है तो 2 पार्ट्स पर होता है, एक होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है आपका जो स्टैंडर्ड डिफरेंस आपने लिए। तो ये हो गया आपका यूनिट। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स डिस्क्राइब्स लॉस ऑफ नेचर। तो फिजिक्स जो है तो लॉज ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करना है, डिस्कवर करना है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन क्वांटिटेटिव मतलब क्या कि आपको चीज़ों को मोजना होता है, चीज़ों को मेजर करना होता है। तो इसके लिए हमको मेजरमेंट लगती है, इसके लिए मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। अब जैसे मैं एग्जांपल दूँ, जैसे न्यूटन ने हमको बताया था कि फोर्स कितनी भी आप अप्लाई करते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन।
आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितनी लगा रहे हैं, तो ये क्वांटिटेटिव है ना, यहाँ पर आप मेजरमेंट कर रहे हैं, आपको एक फोर्स की जो है तो वैल्यू क्वांटिटी बताना पड़ेगी कितनी लग रही है। कोई अगर बाइक जा रही है वो कितनी स्पीड से जा रही है, तो वहाँ पर आपको उसकी स्पीड बताना पड़ेगी कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो ये क्या है, यहाँ पर आपको मेजरमेंट करना पड़ रहा है। तो एक्चुअली ये जो डिस्क्रिप्शन है फिजिक्स का वो क्वांटिटेटिव है, और उसको आपको डिस्क्राइब मेजर करना पड़ता है, यहाँ पर आपको मेजर करना पड़ेगा। तो इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इसके लिए फिर मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, और मेजरमेंट किसकी करना है, हमको फिजिकल क्वांटिटीज की करना है। फिजिकल क्वांटिटीज की करना है। अब आप पूछेंगे सर ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, देखो मैं सब समझाऊंगा, आप थोड़ा धैर्य रखिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, जिनका एक फिजिकल अपीयरेंस हो, जिनको हम फील कर सकते हो, फील से मेरी जो मुराद है ये कि हम उनको देख सकते हो और उनका एक क्वालिटी क्वांटिटेटिव जो है तो मेजरमेंट कर सकते हो। अब जैसे मैं कितना लंबा हूँ, इसके बारे में हम बता देंगे, मेरी हाइट कितनी है ये बहुत इजीली आप बता सकते हैं, मेरा वेट कितना है ये आप बता सकते हैं। तो ये क्या है, मेरा वेट मेरी हाइट जो है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज है। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को आप मेजर नहीं कर सकते, जैसे मैं कितना खुश हूँ, ओके, या फिर मैं कितना जो है तो कहना चाहिए कि गमज़दा हूँ, कितना ज़्यादा गमगीन हूँ, या फिर ये कि मैं कितना रहमदिल हूँ, तो ये क्या है, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, आप इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, आप इसको मेजर नहीं कर सकते। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज जो भी है, जो जिसको हम मेजर करते हैं, ऐसा समझ लो, जैसे यहाँ पर मास मैंने आपके सामने रखा, मास है, उसके बाद लेंथ है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, स्पीड है, फोर्स के बारे में मैंने कहा, और ऐसे एन नंबर्स ऑफ एग्जांपल हम दे सकते हैं, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज को हमें मेजर करना पड़ता है, तो फिजिकल क्वांटिटीज को हमें मेजर करना पड़ता है, और उसके लिए यूनिट्स चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया। अगर यूनिट्स नहीं होंगे तो हम मेजर नहीं कर सकते, हमको समझ में ही नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या चीज़ मेजर करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए यूनिट्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने आपको जैसा बताया कि यूनिट्स को हम लिखते हैं एन यू, यहाँ पर एन जो है तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई भी एक फिगर है, और ये जो है तो ये यूनिट की कहना चाहिए कि स्टैंडर्ड रेफरेंस। ओके, तो आई होप कि आपको फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट की क्यों ज़रूरत है इससे आपको समझ में आ गया हूँ। तो रेगुलर लाइफ में हमको मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप सुबह से उठते हैं, टाइम देखते हैं, तो दिन भर की जो आपकी एक्टिविटीज है उसमें आप चीज़ें मेजर करते हैं। आप अगर कहेंगे कि मुझे ये दो कप चाय दो, तो उसमें आप दो कप यहाँ पर एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ कर रहे हैं, ओके? एक ग्लास पानी दो, तो यहाँ पर आप एक स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड डिफरेंस है, एक ग्लास। अगर आप बोलेंगे नहीं कि भाई मुझे कितना चाहिए पानी, तो आपको पानी मतलब कितनी क्वांटिटी में मिलेगा, जितना आप चाहते उतना नहीं मिल सकता, आपको कई बार बोलना पड़ता है मुझे फुल ग्लास पानी दो, ओके? तो ये सारी चीज़ें हैं मेजरमेंट, इसलिए फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो मेजरमेंट के लिए हमें यूनिट्स चाहिए, जो कि मैंने एग्जांपल देके आपको बताया, इसलिए यूनिट्स का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अब सर आप बोल रहे हैं कि हमको फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करना है, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज कितनी ज़्यादा होंगी, और आपका सवाल बिल्कुल जीनियन है, सही है। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कि हमको सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर नहीं करना है, हमारे पास कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी है, बेस क्वांटिटीज जिसको हम कहेंगे कि उसकी बेस पर हम दूसरी क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, तो हम इसे कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो दोस्तों, आप सोच रहे हो कि हमें फिजिकल क्वांटिटीज फिर कितनी पढ़नी है और कितने की यूनिट्स निकालनी है, तो दोस्तों ये काम बहुत आसान हो जाता है, इसलिए कि हमारे पास कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी है जिसकी बेस पर हम दूसरी क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो फंडामेंटल क्वांटिटीज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आखिर है क्या। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, PQ शॉर्ट में लिखा है। तो जो दूसरों को मतलब दूसरों के टर्म में उसको डिफाइन नहीं कर सकते, वो इंडिपेंडेंट है, उसको हम वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पर लेंथ है, तो लेंथ को डिफाइन कर लेके आपको किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, आपको टाइम की जरूरत थोड़ी भी ना पड़ेगी, यहाँ पर आपको यहाँ पर मास की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेंथ को डिफाइन करने के लिए आपको एक फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, लेंथ जो है तो लेंथ को डिफाइन करने के लिए दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत नहीं है। ऐसे मास है, टाइम है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ,
कि इसके अलावा दूसरी क्वांटिटीज कौन सी होती है। तो ये सात फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये दूसरों पर डिपेंड नहीं करती है। हम एक एग्जांपल लेंगे स्पीड की। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस को हम काय में मेजर करते हैं। डिस्टेंस कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज में आता है? लेंथ में आता है। और टाइम के बारे में तो आप जानते हैं। तो यहां पर मुझे स्पीड को डिफाइन करने के लिए दो फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि डिपेंडेंट है दो फिजिकल क्वांटिटीज पे। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हुई। तो आपको इससे क्लियर हो गया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन थी। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ चीजें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं उनकी तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, अब यह है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट्स हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेजरमेंट के लिए यूनिट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। जैसे आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो साइंटिफिक एडवांसमेंट था वो यूरोपियन कंट्रीज में हो रहा था। तो वहाँ पर जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे वो ही ज़्यादातर हमको आपको देखने मिलेंगे बुक्स में। इसके अलावा बहुत कम देखने मिलते हैं। तो हम इसको समझेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। तो इस बात को तो हम जानते हैं कि हम इंसान जो है तो अलग अलग इलाकों में होते हैं, हमारे रंग अलग होते हैं और हमारे ज़बान अलग होती है, हमारा कल्चर अलग होता है, खाने पीने हमारे अलग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये अलग अलग है ना। ठीक इसी तरीके से हमारे जो है तो मोजने के तरीके भी अलग अलग थे, मेजरमेंट करने के तरीके अलग अलग थे। तो कुछ जो है तो CGS सिस्टम यूज़ करते थे। अब CGS क्या है? तो देखिए, हम बेसिकली तीन क्वांटिटीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक है लेंथ, दूसरी है मास और तीसरी है टाइम। और भी जो चार फिजिकल क्वांटिटीज थी फंडामेंटल, वो भी इंपॉर्टेंट है, उनके यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर हम इसको लिखते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि CGS सिस्टम क्या है। तो CGS सिस्टम में हम देखते हैं कि लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर, और मास का यूज़ करने के लिए ग्राम्स का यूज़ करते हैं। अगर मास को मेजर करना है तो ग्राम का यूज़ करें, और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का। ये यूनिट्स है, ये सिस्टम CGS सिस्टम में ये यूनिट्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। एक और सिस्टम है FPS, यहाँ पर हम इसको फुट में मेजर करते हैं, लेंथ को फुट में मेजर करेंगे। आपने सुने होंगे अक्सर कितने फुट का प्लाट है, इस तरह की चीज़ें आप सुनते रहते होंगे। इसी तरीके से मास को मेजर करना अगर, तो पाउंड को मेजर करते हैं, पाउंड में मेजर करते हैं। आपने अक्सर सुने होंगे जब बेबी इसकी डिलीवरी होती है तो उसके अंदर भाई कितने पाउंड का बेबी है, तो 6 पाउंड का बेबी है। तो एक जो पॉइंट होता है ऑलमोस्ट, जो एक पाउंड जो होता है वो आधे किलो के बराबर होता है, आधे किलो के बराबर। टाइम को यहाँ पर हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सी ये सेंटीमीटर के लिए स्टैंड करता है, जी ये ग्राम के लिए और एस सेकंड के लिए। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर FPS सिस्टम में एफ जो है तो फुट के लिए, पी जो है तो पाउंड के लिए और एस जो है तो सेकंड के लिए। अब बढ़ते हैं MKS सिस्टम की तरफ। तो MKS सिस्टम में हम देखेंगे कि लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर है और मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम है और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड है। तो ये अलग अलग सिस्टम यूज होते थे दुनिया में, लेकिन इनकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जब एक कंट्री का जो है तो साइंटिस्ट दूसरी जगह अपने रिसर्च भेजता था तो वहां पर कन्वर्जन में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते थे। तो फिर क्या हुआ, इस बात की जरूरत महसूस हुई कि सारे लोग जो है तो एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज करें। अब देखिए, जब इस तरीके से कोई बोलेंगे एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज़ किया जाए तो जाहिर सी बात है हमको हमारी चीज़ें पसंद होती है। तो यहाँ पर ठीक इसी तरीके से हुआ होगा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं CGS सिस्टम यूज़ किया जाए, फिर किसी ने कहा FPS सिस्टम यूज़ किया जाए, किसी ने कहा MKS सिस्टम यूज़ किया जाए। तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस कुछ सालों के अंदर भर्ती रही थी, जिसको हम कहते हैं वेट एंड मेजरमेंट कॉन्फ्रेंस, वेट एंड मेजरमेंट कॉन्फ्रेंस। तो ये 1971 के अंदर जब ऑर्गेनाइज हुई ये कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये सिस्टम को जो है तो एक सिस्टम को, ये तीनों सिस्टम की वजह किसी एक सिस्टम को पूरी दुनिया के अंदर चलाने पर जो है तो सब राजी हो गए। अब वो सिस्टम कौन सा था? तो उसको कहा कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं SI सिस्टम। तो पूरी दुनिया के अंदर जो है तो ये SI सिस्टम चलेगा। और इससे फिर क्या होगा, हमको सबको आसानी हो जाएगी कि हम जो है तो जो भी चीज़ मेजर करेंगे वो सब जो है तो एक जैसा रहेगा। कोई दुनिया के कोने में ऐसा नहीं होगा कि भाई वो अलग मेजर कर रहा है, मैं अलग मेजर कर रहा हूँ और फिर मेजरमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम इससे दूर हो गई।
अब इसके लिए कौन सा सिस्टम को सिलेक्ट किया गया, तो इसके लिए सिलेक्ट किया गया एमके सिस्टम को। अब आप पूछेंगे सर इसको कैसे सिलेक्ट कर लिए, तो इसके लिए बहुत सारे रीज़न थे, वो रीज़न को जानना ज़रूरी है कि आखिर एमके सिस्टम को क्यों सिलेक्ट किया गया। तो एमके सिस्टम को सिलेक्ट करने के पीछे सबसे पहले रीज़न तो ये था कि इसकी साइज़ बहुत सूटेबल साइज़ थी, ये कैसे मैं एक एग्जांपल आपको आगे दूंगा। इसके बाद ये था कि इसका जो ऑपरेशंस थे वो डेसिमल सिस्टम के अंदर, मेट्रिक सिस्टम हम कहते हैं, उसके अंदर कन्वर्जन फैक्टर बहुत ईजी हो जाता है। मतलब आप कन्वर्ट करेंगे एक एक यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे उसमें, तो ये बहुत ईजीली इसके ज़रिए हो जाता है। तो इसके लिए इसको यूज़ किया गया, इसको चूज़ किया गया। अब देखिए हम इसके बाद हम देखते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस के अंदर जो तो यूनिट्स को डिफाइन किया गया, अब वो कौन कौन से यूनिट्स थे हम इसको देखेंगे। तो हम पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए फंडामेंटल यूनिट्स को देखेंगे। पहले हमने देख लिया फंडामेंटल क्वांटिटी जो दूसरों पर डिपेंड नहीं करती है, और उसके लिए जो यूनिट्स थे उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किए गए उसको हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स को देखेंगे हम कि अभी मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस के बाद 1971 में भरी ऑर्गेनाइज हुई, उसके बाद जो है तो उसको सिलेक्ट किया गया, हम उसको देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, और उसके लिए कुछ एसआई यूनिट्स बनाए गए जिसको सबने कबूल किया, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम जो था। तो यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज थी और उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स बनाए गए उसे हम कहते हैं बेस यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स हम जिसको कहेंगे। तो यहाँ पर उनका नाम है और यहाँ पर सिम्बॉल है, यहाँ पर नाम और सिम्बॉल है, इसलिए कि आपको समझना ज़रूरी है कि सिम्बॉल जो है तो हम जो है तो पूरा नाम नहीं लिख सकते। मतलब अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी हाइट मेजर करनी है और मेरी हाइट जो है तो ऑलमोस्ट 6 feet है, ओके 2.5 मेरी हाइट जो है तो 2.5 meter है, ओके तो यहाँ पर मीटर में लिख रहा हूँ, इससे अच्छा है कि मैं शॉर्ट के अंदर 2.5 m लिख दो, ये इसका यूनिट है। और ये पूरी दुनिया के अंदर ही चलता है, मतलब आप यहाँ पर m लिखा इसका मतलब यही होगा कि इसका मतलब है मीटर, और आपको यहाँ पर लेंथ मेजर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ के मेजर करते हैं मीटर के अंदर, इसका नेम है मीटर और सिंबल है एम। यहाँ पर आप देखेंगे मास को जो है तो मेजर करते हैं किलोग्राम में, और इसका सिंबल है केजी। टाइम के लिए जो यूनिट है वो है सेकंड, और इसका सिंबल है एस। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसके लिए आप देखेंगे तो जो यूनिट यूज़ किया गया वो है केल्विन, और इसका सिंबल है के। यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो है तो यूनिट है एम्पेयर, और इसका सिंबल है ए। यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, आप देख रहे होंगे इसका नाम जो है तो यूनिट का मोल है, और इसका सिंबल है एम ओ एल मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है एक्चुअल में, जो लाइट की जो एनर्जी होती है, शिद्दत होती है, इंटेंसिटी होती है चमकने की, उसको हम कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कोई भी प्लैनेट की ऑब्जेक्ट की जो भी कहना चाहिए कि चमकने की जो उसकी एनर्जी होती है उसको हम कहेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इसके लिए यूनिट है कैंडेला, और इसका सिंबल है सी डी। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे, और इसके जो है तो 7 सिंबल आपको याद रहने चाहिए। तो आपको ये टेबल याद रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं जब मतलब आपको ये समझना चाहिए कि वीडियो को पॉज करके जो भी मैं लिखाता हूँ यहाँ पर, तो आप खुद उसकी नोट्स बनाएं। ये नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको नहीं बनाएंगे तो फिर हैंड रिटन नोट्स का हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगी, फिर आपको बुक को रिफ़र करना होगा, आपको उसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा फिर। तो यहाँ पर टीचर आपके लिए आसानी, कोई भी टीचर हो वो आसानी इसलिए कर देता है, वो खुद जानता है बहुत सारी चीज़ें, और आपके सामने चीज़ें बहुत जो ज़रूरी है वो लिख देता है। तो आप खुद से जो चीज़ समझ में आ रही है अलग से उसको भी पॉइंट्स बनाएं, और यहाँ पर जो चीज़ लिख रहा हो बोर्ड पे उसको भी आप लिखते जाएं। इसके अलावा 2 और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हम जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसको हम कहेंगे तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हम उसको कहते हैं, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हम क्या मेजर करते हैं, सबसे पहले होता है प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल, और इसको यूनिट होता है रेडियन, रेडियन, और सिंबल है रेड। दूसरा एक होता है आपका सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल का जो सिंबल होता है वो होता है स्टेरेडियन, ये इसका सिंबल होता है, और इसका यूनिट भी स्टेरेडियन होता है। तो ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। अब देखिए प्लेन एंगल तो आप जानते हैं कि जो 2D होता है ऑलमोस्ट, अगर आपके समझाने के लिए मैं रफ कर दूं, तो देखिए ये जो एंगल है ये प्लेन एंगल है, और इसको हम मेजर करेंगे रेडियन के अंदर। अब दूसरा जो होता है ये सॉलिड एंगल, ये एक्चुअल में 3D होता है,
3D से मेरी जो मतलब है वो ये है कि आपने अगर कोन खाए होंगे, मतलब आइसक्रीम के साथ जो कोन आता है वो कैसा होता है, 3D होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो एक ट्रैजेक्टरी होती है पूरी, जो कि आगे के शेप को डिफाइन करती है, आगे की शेप को पूरे डिफाइन करेंगे, तो ये जो एंगल रहेगा ये सॉलिड एंगल रहेगा, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो 3D है, यहाँ पर 2D है, इसलिए इसको हम कहेंगे सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन। आपको इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, ये भी फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर ही आते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट्स हम इसको कहते हैं। ओके, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। सो ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आना चाहिए, और वो ये कि आखिर ये SI यूनिट्स को सिलेक्ट किया गया तो इन्हें ही क्यों सिलेक्ट किया गया, कोई और यूनिट्स क्यों नहीं थे? मतलब हमको अगर SI यूनिट लेंथ का मेजर करना है तो उसे मीटर ही क्यों लिया गया, है ना? अगर मीटर जो है तो इतना बड़ा है तो आखिर इसको क्यों लिया गया? इसे भी तो ले सकते थे, इसे भी तो ले सकते थे, सिर्फ इसको ही क्यों सिलेक्ट किया गया? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सारा काम अंधाधुंध हो गया, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया गया था, और बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया था। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ यूनिट के लिए जो रिक्वायरमेंट थे, SI यूनिट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट थे, वो यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि ये यूनिट का सिस्टम जो बनाया गया है वो कितना मतलब लॉजिकल है, और कौन सी चीज़ों को सामने रखा गया है ये सब बनाते वक्त। तो देखिए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट हम देखते हैं कि सूटेबल साइज़ क्या होना, तो उसकी साइज़ सूटेबल होना। अब देखिए, ऐसा नहीं होना कि बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ होना ताकि छोटी चीज़ें जो है तो वो रह जाए, उससे मेजर करना रह जाए, और बहुत छोटा होना ताकि बड़ी चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा देर तक लिखनी पड़े। अब जैसे अगर सेंटीमीटर हम यूनिट चूज़ कर लेते थे, तो एक सेंटीमीटर आप जानते हैं, एक सेंटीमीटर होता है, सॉरी, वन मीटर यहाँ पर हम देखेंगे, तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो अगर मुझे 1 किलोमीटर लिखना है, 1 किलोमीटर लिखना है, तो मैं मीटर के अंदर उसको आसानी से लिख सकता हूँ, 1000 मीटर। अगर मुझे इसको लिखना था, 1 किलोमीटर को लिखना है, इतने डिस्टेंस को अगर लिखना है, आपके समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ सेंटीमीटर के टर्म्स में, ओके? तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 मीटर जो है तो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, तो यहाँ पर आपने 1000 लिख दिए। अब ये 1 मीटर को ऐसा लिख लिया इस तरह साइड में, क्योंकि 1000 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 1000 ही मिलने वाला है। तो 1 मीटर किसके बराबर था? 100 सेंटीमीटर के बराबर था। अब यहाँ पर जब आप उसको देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट, इतनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक यूनिट जो है तो अगर छोटा रहेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको लिखना पड़ेंगी। तो ये इसलिए सेंटीमीटर को SI यूनिट में सिलेक्ट नहीं किया गया। अगर आप यहाँ पर उससे बड़ा यूनिट लेते, किलोमीटर लेते, तो फिर किलोमीटर में क्या होता, छोटी साइजेस जो रहती है, जिसको मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो छोटी साइजेस में हम कितनी छोटी साइज़ देखते हैं, हम देखते हैं कि न्यूक्लियस की साइज़ जो आती है आपके, वो 10^-14 इतनी आती है। ये साइज़ मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 10^-14 का। तो ये साइज़ जो है तो हम कैसे डिफाइन कर पाते, तो इसमें मुश्किल हो जाता। तो सबसे सूटेबल इसलिए हमको लगा कि मीटर है, तो इसलिए यहाँ पर मीटर को लेंथ के लिए सिलेक्ट किया गया। मैं एक एग्जांपल आपको मीटर की बता रहा हूँ, आप दूसरे यूनिट्स को भी क्राइटेरिया इसी पर फिट किया गया, आप इससे समझ सकते हैं। ऑलराइट, तो दूसरा क्राइटेरिया था कि इजीली अवेलेबल और एक्सेसिबल। इसका मतलब ये है कि जो भी यूनिट हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो इजीली अवेलेबल होना। अगर फॉर एग्जांपल एक प्लेटिनियम आयरिडियम, इसका एक रॉड बनाए हुए और सिलेंडर हम इसको कहेंगे, सिलेंडर बनाए हैं, वो 1 kg का वेट है बराबर उसका। अब अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कंसिडर करो कि ये धातु के बजाय, ये मेटल के बजाय कोई दूसरा मेटल यूज़ करते, ये बहुत रेयर होता, ख़त्म होने के कगार पे रहता, तो फिर क्या होता? अगर ये ख़राब हो जाता, कोई सिलेंडर, कोई प्रोटोटाइप ख़राब हो जाता, कोई मॉडल ख़राब हो जाता, तो फिर उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए वो मेटल चाहिए था जो कि अब ख़त्म होने जा रहा है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम जा सकती थी, इसलिए यहाँ पर प्लेटिनियम आयरिडियम को यूज़ किया गया, क्योंकि ये एक अच्छी क्वांटिटी में पाए जा सकते हैं, और जो है तो ये मतलब अच्छी कीमती भी है। तो यहाँ पर इजीली अवेलेबल भी होना और अच्छे से हमको इजीली एक्सेसिबल भी होना। इसके बाद हम देखेंगे इनवेरिएबल होना, ऐसा नहीं होना कि बदलना। जैसे पहले यूनिट्स कोई अलग यूज़ किया करता था, कोई कंट्री के अंदर कोई धागा यूज़ किया करता था कि भाई इतने धागे का हम यूज़ करेंगे, और कोई हाथ के बराबर यूज़ किया करता होगा, कुछ जैसा हमने देखे सेंटीमीटर, कोई फुट, कोई पाउंड्स, ये इस तरीके से अलग अलग यूज़ करते थे। तो यूनिट जो है तो वो इनवेरिएबल नहीं होना, वो जो है तो सब जगह एक जैसा होना चाहिए और टाइम के साथ बदलते भी नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा वो इजीली रिप्रोड्यूसेबल होना। अब जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर कि मीटर जो होता है बराबर के
वन मीटर जो बराबर होता है, तो यहां पर हम देखेंगे कि सेकंड के इतने हिस्से में, गौर से देखो कितना छोटा हिस्सा है, एक सेकंड के इतने हिस्से के अंदर लाइट जितना ट्रैवल करेंगे वो एक मीटर के बराबर रहेगा। देखिए एक सेकंड के इतने हिस्से में, मतलब एक सेकंड को आपने डिवाइड किया इतने हिस्सों के अंदर, आप सोच सकते हैं कि इतनी छोटी वैल्यू है, तो इतनी ये सेकंड के इतने हिस्से में लाइट जो है तो जितना ट्रैवल करेंगी वो एक मीटर होगा। तो यहाँ पर मीटर को इस तरह यूनिट बनाया गया। आप इसके अंदर जो तो अलग अलग प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, रिक्वायरमेंट देख सकते हैं जो मैंने आपके सामने लिखी हुई। तो ये सूटेबल साइज का है मीटर, इसके बाद इजीली अवेलेबल है, आपको लाइट जो है तो हर जगह मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। ये इनवेरिएबल है, ये बदल नहीं सकता क्योंकि लाइट जगह जो सब जगह लाइट जो है तो सब जगह एक जैसे ट्रैवल करती है, पूरी यूनिवर्स में लाइट जो है तो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ एक ही स्पीड के साथ ट्रैवल करती है और ईजिली रिप्रोड्यूसेबल। तो हम इसको ईजिली रिप्रोड्यूसेबल फिर से बना सकते हैं आसानी से, इस रॉड को अगर बनाया गया होगा। तो ये सारे रिक्वायरमेंट एक यूनिट के अंदर, अच्छे यूनिट के अंदर देखना है जब जाके ऐसा यूनिट उसको सिलेक्ट किया गया। तो अंधाधुंध ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पूरे लॉजिकल बेसिस पर हम देखते हैं कि यूनिट्स को सिलेक्ट किया गया। तो दोस्तों ये कॉन्टेक्स्ट आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कई बार क्या होता है आप देखते हैं कि सारी चीज़ें आ कहाँ से रही है। तो मैंने पहले आपको समझाया कि मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है, मेजरमेंट के लिए यूनिट्स क्यों ज़रूरी है, और यूनिट्स के बाद अलग अलग यूनिट्स जो होते हैं उनमें एसआई सिस्टम क्यों बनाया गया, और फिर उन्हीं सिस्टम में इन यूनिट्स को क्यों सिलेक्ट किया गया। तो आप देखेंगे कि आपको रीज़न दिए हुए हैं जो कि आपके काम के नहीं है, लेकिन एक आपको कॉन्टेक्स्ट आ जाए समझने के लिए कि आखिर ये यूनिट्स को क्यों सिलेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। तो ये बिल्कुल फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है उसके डेफिनेशन के उलट इसकी डेफिनेशन है। मतलब ये है कि ऐसे यूनिट्स जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, उनको डिफाइन करना है तो आपको दूसरे यूनिट्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसे यूनिट्स को हम कहेंगे, ऐसे क्वांटिटीज को हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज, और उनके लिए जो यूनिट्स होते हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपके लिए अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ, तो दोस्तों यहाँ पर डेफिनेशन में आपके लिए लिखी है कि डिराइव्ड यूनिट्स हम किसे कहते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट्स हम कहते हैं द फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट में मैंने लिखा है पीक्यू, फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो जो जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, मैंने स्पीड की एग्जांपल आपको दी, स्पीड क्या है, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस आपका है मेजर करते हैं, लेकिन मीटर में मेजर करते हैं, तो ये हो गया मीटर और ये हो गया टाइम सेकंड, लेंथ अपॉन टाइम। तो यहां पर मुझे स्पीड को डिफाइन करने के लिए दो क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक है डिस्टेंस और एक है टाइम। तो ये दो क्वांटिटीज पर डिपेंड है, इसलिए हम इसे कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज हम इसे कहेंगे। ओके तो इसके लिए जो यूनिट्स होते हैं, जैसा मैंने यहां पर मीटर पर सेकंड लिखा, तो मीटर पर सेकंड इसका क्या यूनिट है और इसको हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। तो दोस्तों जो भी हम देखते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज है, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा जो सात क्वांटिटीज मैंने आपको बताया, तो उसके अलावा जो कुछ भी क्वांटिटीज है वो सब डिराइव्ड क्वांटिटीज, और उनके लिए यूनिट्स होंगे वो सब डिराइव्ड यूनिट होंगे। तो आई होप कि यहां पर आपको डिराइव्ड यूनिट समझ में आ गया। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या है आप जानते हो, ये मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, ये मास, एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। तो यहां पर मास के लिए क्या है केजी, और यहां पर डिस्टेंस के हम किसमें मेजर करते हैं, लेंथ में, इसको हम मीटर कहेंगे, और यहां पर टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड में, सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर आप देख रहे हैं मुझे तीन क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी फोर्स को डिफाइन करने के लिए। तो फोर्स यहां पर क्या हो गया, फोर्स हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी, और इसके लिए जो यूनिट्स मुझे लगे वो है डिराइव्ड यूनिट्स।
तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इतना कितना इजी हो गया हमारे लिए। अगर हमको सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज पता है, अगर आपको सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज पता है, उनके यूनिट पता है, तो उनके बेस पर हम बहुत सारे यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। तो इसलिए आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज और यूनिट्स याद रहने चाहिए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल याद रहने चाहिए, ऐसा कि आप भूले नहीं। आपको रात में उठाकर अगर पूछा जाए अचानक, तो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि उस पर ही आपका सब कुछ आगे डिपेंड रहेगा। क्योंकि हम जो कुछ आगे हम क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं, उसको मेजर करने के लिए आपको यूनिट्स की जरूरत है। इसलिए आप देखते हैं पहले चैप्टर के अंदर ही आपको जो बहुत सारे फॉर्मूले दिए गए, 150-200 या 250 के करीब फॉर्मूले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, टेंशन लेने की जरूरत है उसमें, क्योंकि आपको पहली बार में सारे फॉर्मूले समझ में नहीं आएंगे। ओके, तो धीरे धीरे आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको फॉर्मूले समझ में आते जाएंगे, आपको उनके यूनिट समझ में आते जाएंगे। तो ये फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स है, इसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझना जरूरी है। कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने लूंगा ताकि आपको और सारी चीजें क्लियर हो जाए। ऑलराइट, एक बात जो आपको बताना है यहाँ पर, जब आप एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको एक पॉइंट नोट करना है। वो पॉइंट आपको बहुत कम किताबों में मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली शायद एसी वर्मा सर ने उसको लिखे है, और वो ये है कि अगर आपको यूनिट्स पूछता है अलग अलग क्वांटिटीज के, जैसे थर्मल क्वांटिटीज का पूछा गया था, थर्मल कंडक्टिविटी का 2019 के अंदर पूछा गया था यूनिट्स का, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट जो है तो जहन में रखना है, और वो ये है कि अगर ये देखिए यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, डिस्टेंस और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बराबर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि आपको क्वेश्चन में थोड़ा घुमा देता है, घुमाता ऐसे है कि आपको क्या करता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो देता है कि यहाँ पर टाइम और स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटीज है, टाइम और स्पीड आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होगी, टाइम और स्पीड होगी। अब आपको बोला कि हमको डिस्टेंस का यूनिट फाइंड आउट करके दिखाओ, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा आपके लिए, डिस्टेंस होगा डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को ग्रैप करना है, यहाँ पर समझना है। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ कि आपको फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पर स्पीड और टाइम दे दिया, और आपको बोला कि आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करेंगे, टाइम को इधर शिफ्ट कर देंगे, स्पीड इंटू टाइम। अब देखिए गौर से, ये वैसे तो ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ ऐसा है कि स्पीड और टाइम ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और फिर आपको इनकी बेस पर या फिर इनके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है इसको डिस्टेंस को। तो यहाँ पर जो तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हो गई, स्पीड हो गई और टाइम हो गई, और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या हो गई, डिराइव यूनिट क्या हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया। तो आपको इस पॉइंट को आपको दिमाग में फिट कर लेना है, क्योंकि आपके आगे क्वेश्चन चाहे डायमेंशनल एनालिसिस के हो चाहे यूनिट्स पर, तो इसके अंदर एक बड़ा पार्ट होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आई होप कि आप दिमाग में रखेंगे, और आगे हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ, ताकि उससे हमको और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाए इस टॉपिक को लेकर। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम एग्जांपल करें, आपको कुछ चीज़ें जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जांपल में ये सब आगे चलने वाली है, तो इसलिए आपको अभी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हमने एसआई प्रीफिक्सेस कुछ यूज़ करने वाले हम, उसका रीज़न ये है कि हमें बहुत स्मॉल साइज से लेकर तो बहुत बड़ी साइज तक हमें मेजर करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम पूरे वर्ड को अगर लिखने जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएंगी, तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है तो उसे मल्टीपल और सब मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर फैक्टर्स है तो 10^-9, मतलब यहाँ पर अगर मैं आपके लिए 10^-9 लिखूं तो 10 के आगे ऑलमोस्ट 90, ये इतना बड़ा फिगर है। तो अगर मैं इसको लिखते बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम भी जाएगा और स्पेस भी लगेगा, तो हम शॉर्ट में क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका नाम हमने इसका नाम दिया गीगा, और इसका सिंबल है जी। यहाँ पर आप देखेंगे 10^6 है, इसको हम मेगा कहते हैं, और 10^3 है, किलो है, ये और भी हो सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके सामने लिखा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे 10^-9 है, तो 10^-9 इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं लिखूँगी 10^-9 मीटर, तो ध्यान दीजिएगा, एक मीटर आपको मालूम है उसकी साइज कितनी होती है। अब गौर से देखो कि एक मीटर को मैंने डिवाइड किया, यहाँ पर देखें गौर से, इस बात का क्या मतलब होता है मैं आपको बता दूँ। तो इसका मतलब ये है कि 10, अगर मैं लिखूँगा 10^9, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू मैंने आपके सामने दी। अगर मुझे मीटर लिखना है तो यहाँ पर मुझे मीटर लिखना पड़ेगा, तो 10^9 मीटर, ये इतना होता है वैल्यू। अब देखिए 10^-9, जब यहाँ पर माइनस आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमने एक मीटर को डिवाइड किया इतने हिस्से तक, मतलब इतने मीटर, ये जो आप देख रहे होंगे, तो एक मीटर को हमने इतने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। आप सोच रहे वैल्यू कितनी है, बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है। यहाँ पर आपके लिए अगर मैं लिखूँ तो इसको कहेंगे कि 10^9। अब देखिए, आप जानते होंगे अलजेब्रा के अंदर आपने पढ़ेंगे, जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है उसकी पावर अगर प्लस में है तो ऊपर जाकर वो माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर 1 है, ये ऊपर जाएगा जब
तो यहाँ पर 1 × 10⁻⁹ हो जाएगा, और 1 को हम नहीं लिखते हैं तो 10⁻⁹, इसका मतलब ये होता। तो यहाँ से आपको इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि हम कितनी छोटी साइजेस से डील करते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन की साइज़ कितनी होती है, एक जो है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की साइज़ कितनी होती है। वहाँ से आप शुरू कर दें तो पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स उसको आप देखेंगे तो बहुत बड़ा एक आपको लार्ज डिफरेंस नज़र आएगा। तो यहाँ से आपको कुछ अंदाज़ा हुआ होगा। तो और एक चीज़ मैं आपको सामने रखता हूँ जिससे आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए दोस्तों। तो एक और मिसाल एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो आखिर हम इन प्रीफिक्सेस का यूज़ क्यों करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हम जब देखिए लेंथ मेजर करते हैं तो लेंथ मेजर करने में हमको कितनी वैरायटी देखना पड़ती है। मतलब अगर आप एक साइज ऑफ प्रोटॉन देखें तो साइज ऑफ प्रोटॉन 10⁻⁵ मीटर होती है। आप कितना छोटे, मतलब ऐसा समझो कि आपने एक मीटर को जो है तो इतने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किए, 10⁻⁵, इतनी छोटी साइज होती है। और आप अगर बाउंड्री ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी हम जितनी यूनिवर्स देखते हैं तो उसकी बाउंड्रीज जो है तो 10⁻⁶ मीटर। और मैंने आपको बताया कि ऐसे समझो कि 10 के आगे 26 जीरो लगा लो, ये फिगर इतना बड़ा होता है। तो इसलिए हम ये प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं। अगर मैं इतने लिखने जाऊँ तो यहाँ पर मेरा तो पूरा बॉडी भर जाएगा इतने लिखने, 10⁻⁶ लिखने में। आप मास को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की मास होती है 10⁻⁰ के जी, वहीं पर हम देखेंगे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है तो 10⁻⁵ के जी। तो इतना बड़ा वैरायटी, मतलब इतनी छोटी चीज़ से बड़ी स्केल पर आप जब जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर वैरायटी देखने को मिली, और आप उसको जब लिखने जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट्स के अंदर प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। इसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। आपने ये टर्म सुनी होगी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, एक्चुअल में हम लिखते हैं इसको ए इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ पर एक कोई भी एक वैल्यू है न्यूमेरिकल जो कि 1 एक से 10 के बीच में होती है। एक से 10 के बीच में जो भी वैल्यू होंगी हम उसको कहेंगे कि ये ए की वैल्यू है। यहाँ पर हम उसको इस टर्म में लिखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाते हम, 11 नहीं लिख सकते, 12 नहीं लिखते, बल्कि यहाँ पर लिखते हैं। और 10⁻⁶, तो यहाँ पर बी जो होता है वो इंटीजर होता है, कोई पॉजिटिव भी हो सकता और नेगेटिव भी हो सकता, जैसे हमने यहाँ पर देखे। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो फिगर को कट करते हुए, छोटा करते हुए एक से 10 के बीच में रखते हैं, और उसके आगे उसको जो है तो पावर्स रेस कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इसकी पावर्स को रेस किया। तो ये था आपका एसआई प्रीफिक्सेस। आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि जब आप एग्जांपल सॉल्व करने जाए तो आपको ये दिमाग में रहे कि हम ये कहाँ से लाते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो दोस्तों एक एग्जांपल हम करते हैं, और ये एग्जांपल बहुत ईजी है, आपको ये बात बहुत ध्यान से सुननी है। और वो ये है कि आपको यूनिट्स के बारे में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे नीट और JEE में, यूनिट जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें ऑलमोस्ट दो ही टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन है। तो मैं आपको यहाँ पर वो ट्रिक सिखा दूंगा कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से जब दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आप कन्वर्ट करते हैं एक वैल्यू को तो कैसे करते हैं। और दूसरा मिलेगा कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है आप जब आगे पढ़ने वाले हैं तो उसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स आपको लिखने हैं। यहाँ पर एक बात आपको दिमाग में बिठा लेनी कि बिल्कुल कि कई बार यूनिट्स को लेकर कन्फ्यूज मत होना। अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूँ, और एग्जाम्पल है फोर्स की। तो फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं इसका यूनिट लिखने जाऊँ तो मास के लिए हम लिखते हैं kg, और एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। वेलोसिटी के अंदर जो चेंज हो रहा है टाइम का, उसको हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये फोर्स को जो है तो डिस्कवर किया था किसने, न्यूटन ने। आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे न्यूटन का। तो फिर क्या क्या हुआ, ये जो यूनिट था इसका यूनिट न्यूटन के नाम से लिख दिया गया। तो इस पूरी वैल्यू को हम लिखते हैं न्यूटन एन। तो आप जब इस तरीके से देखेंगे, वेबर देखेंगे, न्यूटन देखेंगे, पास्कल देखेंगे, तो ये सब क्या, ये साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई अलग से यूनिट्स है, बल्कि ये नाम दिया गया इस पूरे वैल्यू को। तो जब भी न्यूटन आपको देखेंगे तो यहाँ पर न्यूटन, वैसे वो वाले न्यूटन नहीं, वो तो चल गए, लेकिन ये वाला न्यूटन जो आपको देखेगा आपके एग्जाम में या फिर कहीं पर भी, तो उसके लिए ये वैल्यू उसके पीछे होती है। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है दोस्तों। यहाँ पर आपको और भी कुछ यूनिट्स दिमाग में रखने के, वो ये है कि आपको जब कन्वर्जन पूछा जाता है तो न्यूटन जो यूनिट है वो एसआई यूनिट के अंदर, सिस्टम के अंदर है। डायन जो है, यानी फोर्स, सॉरी ये फोर्स के यूनिट है। तो फोर्स का यूनिट एसआई सिस्टम में न्यूटन है, और इसकी वैल्यू हम ये देखते हैं। आप अगर सीजे सिस्टम में देखेंगे तो सीजे सिस्टम के अंदर इसको डायन कहते हैं, न्यूटन है और को डायन कहते हैं। आप इसको डायन से याद करते हैं, डायन जो आपके सपने में आती है, जिससे आप डर जाते होगे उससे आप याद कर रखते
रख सकते हैं। और इसको एफपीएस सिस्टम में पाउंडल कहते हैं। इस पर तो क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए, लेकिन ऑलमोस्ट ये बहुत यूज़ होता है क्वेश्चंस के अंदर। और इसी तरीके से यहाँ पर वर्क और एनर्जी का जो सीजे सिस्टम में हम कहते हैं, वर्क और एनर्जी का जो यूनिट है वो अर्ग है, इसको हम कहते हैं अर्ग। तो आपको ये सारे पॉइंट्स रहने चाहिए दिमाग में, ताकि आप जो तो कन्फ्यूजन का शिकार ना हो जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो आपको ये पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान में रहने चाहिए। आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं, और लिख लीजिए। मेरा तो कहना है कि फोर्स का यूनिट एसआई सिस्टम में न्यूटन है, सीजीएस में डायन है, और एफपीएस में पाउंडल है। वर्क और एनर्जी का यूनिट जो है तो सीजीएस के अंदर अर्ग कहते हैं। तो इस पर ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रहने चाहिए कि फोर्स जो है तो न्यूटन ने डिस्कवर किया, इसलिए यहाँ पर इसका जो यूनिट का नाम दिया गया न्यूटन के ऊपर दिया गया। तो जब आप वन न्यूटन देखेंगे तो इसका मतलब ये होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत अच्छा है। आपको एक बार जब आप ट्रिक सीख जाएंगे तो आपको ये सब कुछ बहुत आसान लगेगा। तो आपने अलजेब्रा पढ़े होंगे। अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, कोई भी अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम ट्रांसपोज करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू टेन लिखा है, अगर आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पर एक्स को ही रहने देंगे, फाइव को उधर ट्रांसपोज करेंगे। तो ये ट्रांसपोज अगर हो जाएंगे टेन माइनस फाइव, तो आपको वैल्यू क्या मिली एक्स की वैल्यू मिली फाइव। ओके, तो यहाँ पर यही सेम ट्रिक्स हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अब देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, इसका मतलब यहाँ पर एसआई सिस्टम यूज़ किया गया। और आपसे वो क्या पूछ रहा है कि एसआई सिस्टम को कन्वर्ट करना आपको सीजे सिस्टम में, यहाँ पर आपको इस सीजे सिस्टम में दूसरा सिस्टम में। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो देखो इसका सबसे ईजी फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। क्या आप लिखे n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। तो यहां पर n1 u1 को आप कंसीडर करें कि ये एसआई सिस्टम के हैं, एसआई सिस्टम में है, और ये n2 u2 ये जो है सीजे सिस्टम में है। अब यहां पर मैंने आपको बता दिया कि आपको यूनिट लिखना है अगर, तो उसके लिए दो वैल्यू चाहिए, एक है न्यूमेरिकल और दूसरा एक स्टैंडर्ड डिफरेंस। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी हुई क्या है 9.8, तो यहाँ पर लिख लीजिए n1 क्या दिया हुआ है 9.8, u1 आपकी यूनिट क्या दी हुई है u1 दी हुई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इधर आ जाइए सीजे सिस्टम में, तो सीजे सिस्टम में आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मालूम नहीं है, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है, इसी वैल्यू को कन्वर्ट करना है सीजे सिस्टम में, तो ये हमको मालूम नहीं है। हाँ u2 जो है तो स्टैंडर्ड डिफरेंस, ये यूनिट हमको मालूम है। तो u2 में देखिए इसको जब कन्वर्ट करना है आपको एक्सेलरेशन को, तो इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सीजीएस में मीटर की जगह हम यूज करते हैं, सीजीएस में मीटर की जगह यूज करते हैं सेंटीमीटर। और यहां पर केजी की ये एसआई है अगर, तो ये सीजीएस सिस्टम है, और यहां पर केजी की जगह हम यूज करते हैं ग्राम का। तो आपको इन फैक्टर कन्वर्जन फैक्टर को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां पर ये u2 आपको जो दिया हुआ है, इसको मीटर को हम क्या में लिखेंगे सेंटीमीटर में, और सेकंड को कायम में लिखेंगे आप, तो सेकंड को आप सेकंड में लिखेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गिव इट्स वैल्यू इन सीजे सिस्टम। तो यहाँ पर आप ये जो वैल्यू देख रहे होंगे, ये वैल्यू किसके है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी जो आपको खींचती है तो उसकी वैल्यू ये है, उसका एक्सेलरेशन वैल्यू है। अगर आप कोई भी चीज़ को ऊपर से फेंकेंगे तो इस एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगी। इसको आपको कन्वर्ट करना है सीजे सिस्टम में। तो अब आपके सामने फॉर्मूला आ गया है, यहाँ पर पुट कर दो वैल्यूज को। अब जैसे हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखिए n1 क्या दिया हुआ आपको, n1 दिया है आपको 9.8। अब u1 क्या दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब n2 यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये तो हमको मालूम करना है, इसलिए हम इसको यही रहने देंगे। और u2 क्या दिया हुआ आपको, देखिए गौर से, u2 दिया हुआ आपको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर किस क्वांटिटीज को आपको मालूम करना था, यहाँ पर क्वांटिटी मालूम करनी थी। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम ट्रांसपोज करेंगे, अगर इसको मालूम करना है तो ये पूरी वैल्यू को हम इधर ट्रांसपोज करने वाले हैं। तो इसको कर दो ट्रांसपोज, तो यहाँ पर 9.8 को ही रहने दो। ओके, अब देखो मीटर यहाँ पर है तो मीटर को ही लिखो, और इसके साथ ये सेंटीमीटर जो इधर आएंगे, ये सेंटीमीटर। अब देखिए गौर से, ये सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर सेकंड, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेकंड है, ये जब इधर डिनोमिनेटर में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर इक्वेशन की एक साइड में डिनोमिनेटर मतलब नीचे है बटे में है, तो दूसरी तरफ जाकर वो ऊपर चली जाती है, न्यूमरेटर में चली जाती है। और जो वैल्यू इधर अगर न्यूमरेटर में है तो इधर जाएंगी, तो वो डिनोमिनेटर में चली जाएंगी। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर में है
डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में जाएंगे, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाएंगे, तो इसको इधर भेज दो, तो ये चला गया ऊपर। अब गौर से देखिए हमको क्या चाहिए, एन टू चाहिए। यहाँ पर देखो ये और ये सेम है, ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर क्या बचता है, मीटर और सेंटीमीटर। अब इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, गलती मत करना कैंसिल करने की। क्यों कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इसको सेम बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये सेम था तो ही आप इसको कट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसको सेम कैसा बनाएंगे, गौर से देखो इसको 9.8। अब 1 मीटर जो है तो किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, आप ये बात जानते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर 1 मीटर की वैल्यू चेंज कर दो। अब 1 मीटर की वैल्यू आप जैसे ही चेंज करेंगे तो 1 मीटर की वैल्यू क्या हो जाएंगी सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर जो है तो हम कट कर सकते हैं, यहाँ पर बचा 100 स्क्वायर। तो क्या मैं 9.8 इंटू 100 को 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी एन टू की। गौर से देखो यहाँ पर वैल्यू किसकी निकाले थे हमने, एन टू की वैल्यू। ये देखिए यहाँ पर एन टू की वैल्यू। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप इस वैल्यूज को पुट कर दीजिए जो आपको एन टू की वैल्यू मिली। तो एन वन आपको दिया था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आपने CGS में कन्वर्ट करे तो CGS में आपको क्या मिला, 9.8 इंटू 10 स्क्वायर। अब देखो यूनिट्स का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो यूनिट का आप ध्यान कैसे रखेंगे, CGS सिस्टम के अंदर यूनिट्स क्या है, मीटर के लिए यूनिट्स है सेंटीमीटर, और सेकंड के लिए सेकंड ही है सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका कन्वर्जन फैक्टर। तो आपकी जो वैल्यू थी 9.8 वो कन्वर्ट होकर CGS सिस्टम में ये बन गई। तो यही फॉर्मूला आपको, यही फॉर्मेट यूज़ करना है। थोड़ा डिटेल में मैंने आपको बताया ताकि आपको समझ में आए, आप इसको जो तो अच्छे से लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको इसको अच्छे से लिख देता हूँ। आप इसको ऐसे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर थोड़ा सीक्वेंस से मैं आपके लिए लिख देता हूँ इसको। तो दोस्तों आप इसको सीक्वेंशियली लिख सकते हैं इस तरीके से, लेकिन आपको ये फॉर्मूला फिट कर लेना है। आप इसकी बेस पर जो तो दूसरे एग्जाम्पल भी करें, जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पे फिजिक्स स्टेटमेंट पे, मैं उस पर कुछ चीज़ें आपके लिए डालूंगा होमवर्क के लिए। आप जो है तो उस पर ज़रूर जाए उसको सब्सक्राइब करें, और वहाँ पर जो चीज़ें मिलेंगी उसको आप ज़रूर सॉल्व करें। देखिए आपको कहीं पर भी बहुत रेयर जगह इस तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, ताकि आपको जो सारी चीज़ों वन बाय वन समझ में आए सिक्वेंशियली। और फिजिक्स में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर रेटिफिकेशन कर लेंगे याद कर लेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपको इतने फॉर्मूले याद करने, आप क्या क्या याद कर सकते हैं, कहीं ना कहीं तो कन्फ्यूज़न आ जाएगा। तो पहले समझना ज़रूरी है, फिर उसके बाद याद आप करें, ताकि आपका टाइमिंग बढ़े पेपर के अंदर। तो पहले ये समझने के लिए ये सारी चीज़ें डिटेल में समझना ज़रूरी है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको टेलीग्राम के चैनल पर शेयर करने वाला हूँ, आप प्लीज़ जाइए वहाँ पर, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो चैनल को इसी नाम से, जो हमारा चैनल है यूट्यूब का, उसी नाम से हमने उसको बनाया है। तो एक एग्जाम्पल थी इसकी, और एग्जाम्पल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे नीट और JEE क्वेश्चन पेपर में, हम उसको सॉल्व करने वाले अलग से, उसके लिए अलग हम एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट न्यूमेरिकल्स के लिए, उसमें आपको और इजीली क्लियर होने वाला है। तो ये सब कुछ आप लिख लीजिए, ये था इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले लेक्चर के अंदर। ओके साथियों, गुड बाय।